हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का चैप्टर टेन बुक मैरीगोल्ड चैप्टर नेम इज द शिप ऑफ द डेजर्ट शिप ऑफ द डेजर्ट कौन होता है कैमल यस डेजर्ट मींस रेगिस्तान ठीक है सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर लाइन वाइज लाइन रोरिंग हुन पूछ रहा है तुम कौन हो कैमल down at lion, I am the ship of desert. Who are you? So it is the conversation between lion and the camel one. Okay, lion और camel के बीच में बातें चल रही हैं तो lion पूछ रहा है dahadte हुए तुम कौन हो कैमल पूछ की तरफ झुक के देखता है क्योंकि कैमल तो ऊंचा होता है तो उसको अपनी गर्दन नीचे करके देखता है कहता है मैं रेगिस्तान का जहाज हूँ और तुम कौन हो लायन डोंट यू नो मी आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट फॉरेस्ट मीन्स जंगल नो मीस जानना लाइन कहता है तुम मुझे नहीं जानते मैं जंगल का राजा हूं कैमल आई यू सी कैमल कहता है अरे तुम जंगल के राजा ओके ओके लाइन तो फ्राउनिंग फ्राउनिंग मतलब गुस्से में जैसे हम आखे आई ब्रोज चढ़ा के बोलते हैं ठीक है यू कॉल यो सैफ द शेप ऑफ द डेजर्ट तुम अपने आप को रेगिस्तान का जहाज बताते हो हाउ कैन यू बी अ शिप तुम एक शिप कैसे हो सकते हो यू आर एन एनिमल तुम तो एक जानवर हो ठीक है तो उसके आगे क्या होता है देखते हैं कैमल स्माइलिंग मुस्कुराते हुए कैमल बोलता है सो आई एम मैं तो हूँ बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ डेजर्ट लेकिन मुझे लोग शिप ऑफ डेजर्ट बुलाते हैं रेगिस्तान का जहाज बुलाते हैं जबकि मैं एक एनिमल ही हाँ I can walk across the desert even on a hot afternoon. Hot means गर्म Afternoon means दोपहर जैसा कि बच्चों रेगिस्तान में दोपहर में बहुत गर्म हो जाता है इतना हीट हो जाता है कि हम उस पर चल नहीं सकते ठीक है लेकिन वो कह रहा है कि मैं रेगिस्तान में दोपहर में एकदम तप जब वो तप रही होती है रेत तो उस समय उस पर चल सकता हूँ sand burns, बट इट डज नॉट bother me. सैंड रेत रेगिस्तान में रेत होती है हर तरफ है ना बर्न्स मींस जलना और बॉदर मतलब परेशान करना तो वो कह रहा है कि जबकि उस समय जो रेत होती है वो बिल्कुल दहक रही होती है गरम-गरम हो रही होती है लेकिन मुझे उससे कोई परेशानी नहीं होती लायन आई कैन बिलीव इट बट मुझे तो विश्वास नहीं होता कैमल कैन यू वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट कैमल पूछ रहा है लायन से क्या तुम डेजर्ट पे चल सकते हो डेजर्ट पे इस दोपहरी में गर्म रेत पे चल सकते हो लाइन ब्लिंकिंग ब्लिंकिंग मतलब इसे आँखें से झपकते हुए नो आई कांट मैं नहीं चल सकता बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट वो कह रहा है लेकिन मैं जंगल में दौड़ सकता हूँ कैमल विद डिसडेन एवरी एनिमल कैन डू दैट अब कैमल कहता है कि hmm, ये तो कोई भी कर सकता है आई अलोन कैन रन ऑन सैंड वो कह रहा है कि मैं तो सैंड पे अकेला दौड़ सकता हूँ आई कैन रन ऑन सैंड एट ट्वेंटी फाइव किलोमीटर एन आर अभी क्या कह रहा है वॉट इज द स्पीड ऑफ द कैमल ट्वेंटी फाइव किलोमीटर एक घंटे में पच्चीस किलोमीटर की रफ्तार से वो दौड़ सकता है यानी एक एक घंटे में वो पच्चीस किलोमीटर दौड़ सकता है सैंड पे ठीक है लायन वॉन्डरिंगली हाउ कैन यू डू दैट देट अपर्यचकित होकर कहते हैं अरे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मीन्स वो सोच रहा है अरे वाई तो बहुत टैलेंटेड है कैमल लुक एट माय फीट फीट मतलब पैर कहता है मेरे पैरों को देखो दे आर थिक एंड पैडेड थिक मतलब मोटे पैडेड मींस गद्देदार ठीक है मोटे हैं और गद्देदार है ठीक है द हॉट सन डज नॉट बर्न देम जो हॉट सन है गर्म जो सूरज है आग का गोला कहते हैं सूरज को वो मेरे पैरों को बर्न नहीं कर सकता यानी जला नहीं सकता कोई हार्म नहीं कर सकता लायन माई फीट आर पैर टू लाइन कहता है मेरे पैर भी पैरड हैं मेरे पैर में भी गद्देदार क्वेश्चन टाइप के लगे हुए हैं मतलब काफी मोटे मोटे से हैं थॉन्स डोंट प्रिक डैम थॉर्न्स का मतलब होता है बच्चों कांटे प्रिक hmm. मतलब चुभना और उसमें कांटे नहीं चुभ सकते एंड आई कैन रन एटी किलोमीटर्स एन आर और मैं एक घंटे में एटी किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता हूँ एटी किलोमीटर्स कवर कर सकता है ठीक है कैमल दैट इज ट्रू सच है You can run 80 kilometers an hour in the forest, but can you run even a mile on the hot sand? Camel कहता है हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है तुम एटी किलोमीटर पर आर के हिसाब से दौड़ सकते हो जंगल में बट क्या तुम गरम गरम सैंड पे गरम गरम रेत पे एक माइल भी चल सकते हो दौड़ सकते हो लायन मे बी नॉट बट वो कहते हैं हाँ हाँ शायद नहीं लेकिन कैमल इंट्रैक्टिंग एंड यू कैंड दउट वाटर फॉर अ वीक कैन यू अभी कैमल के, की एक और क्वालिटी होती है बच्चों कि वो बहुत ज़्यादा पानी एक साथ स्टोर करके अपने टमी में रख सकता है बेली में और उसको ग्रेजुअली यूज कर सकता है ठीक है जैसा कि रेगिस्तान में हार्डली वाटर मिलता है ठीक है कैमल उसको रोकते हुए बोलता है क्या तुम एक वीक तक बिना पानी के रह सकते हो लॉयन नो आई कांच मैं तो नहीं रह सकता आई रीड वाटर एवरी डे मुझे तो पानी रोज चाहिए

ट्वेंटी बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम वो कह रहा है मैं लगभग दो सौ बोतल पानी एक बार में पी सकता हूँ लायन रियली यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक स्टमक मतलब पेट और ये तुम्हारा तो बहुत बड़ा पेट होगा कैमल प्राउडली येस आई हैव अ बिग स्टमक आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक आई कैन स्टोर फूड फॉर टू वीक्स इवन कैमल कह रहा है बड़े प्राउड से ठीक है हाँ हाँ मेरा तो बहुत बड़ा स्टमक है और मैं एक वीक का पानी एक साथ पी सकता हूँ और इवन यहाँ तक कि दो हफ्ते का खाना एक साथ खा सकता हूँ मतलब कि स्टोर कर सकता है वह अपने पेट में ठीक है लॉयन शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट आप लॉयन को उसकी बातों में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक क्या तुम अपना जो खाना है वो स्टमक में पेट में स्टोर करते हो कैमल नो आई डोंट आई स्टोर इट इन माई हम्प मैं इसे अपने हम्प में हम मतलब होता है कुबड़ आपने देखा होगा लॉयन के जो है एक हम होता है कमर पे उठा हुआ सा ठीक है उसे हम कहते हैं आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फोर्थ नाइट फोर्थ नाइट होता है फिफ्टीन डेज के समय को कहते हैं ठीक है वो कह रहा है मैं एक साथ खूब सारा खाना खा सकता हूँ और फिर मैं पंद्रह दिनों तक बिना खाना खाए रह सकता हूँ मुझे खाने की कोई आवश्यकता नहीं है लाइन दैट्स इंटरेस्टिंग बट वॉट डू यू ई ईट वो कह रहे हैं अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है बट तुम क्या खाते हो कैमल आई ईट लीव्स बट दे आर नो ट्रीज इन द डेजर्ट मैं पत्तियाँ खाता हूँ बट डेजर्ट में तो ट्रीज होते ही नहीं हैं लाइन वॉट डू यू ईट देव फिर तुम क्या खाते हो वहाँ पे कैमल दे आर थॉर्नी बुशेज इन द डेजर्ट कटीले थर्नी बुश मतलब कटीली झाड़ियाँ होती हैं वहाँ पे आई ईट द थॉर्न्स मैं कांटे खाता हूँ थॉर्स डोन्ट पिक माई थिक टॉर्स मेरी जो मोटी सी जीव है उसको कोई ट्रेवल नहीं कर पाती उससे कुछ नहीं होता मतलब Line. How funny. Aray, उसको तो funny कोई कांटे कैसे खा सकता है कैमल मिस्टर किंग ऑफ फॉरेस्ट प्लीज कम विद मी टू डेजर्ट अब वो उससे कहता है कि जंगल के राजा आप मेरे साथ डेजर्ट में आइए लाइन नो आई वुड बेटर नॉट नहीं नहीं मैं यहीं पर सही हूँ आई कांट वॉक ऑन अ बर्निंग सेंड बर्निंग मतलब जलती हुई दहकती हुई मैं जलती हुई रेत पर नहीं चल सकता आई कैंट स्टोर फूड एंड वाटर एंड आई कैंट ईट थॉट्स वो कह रहे हैं ना तो मैं फूड स्टोर कर सकता हूँ ना पानी स्टोर कर सकता हूँ और ना ही मैं कांटे खा सकता हूँ गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ डेजर्ट शिप ऑफ द डेजर्ट अब वो कहता है गुड बाय और गुड लक रेगिस्तान के जहाज़ ठीक है तो ये स्टोरी लिखी गई है एस के राम द्वारा तो आपको पता चला होगा कि एनिमल uh, जो सॉरी डेजर्ट में जो शिप ऑफ डेजर्ट है कैमल वो किस तरीके से वहाँ सरवाइव करता है है ना बच्चों भगवान ने सबको अगर उसको शिप ऑफ डेजर्ट बनाया तो कुछ सोच के बनाया उसका हम बनाया है जिसमें कि वो अपना पानी और खाना स्टोर कर सके ठीक है उसकी uh, जीब उस तरीके की बनाई उस है उसके पैर उस तरीके के बनाया कि वो वहाँ पर सर्वाइव कर सके अदरवाइज़ और कोई सर्वाइव नहीं कर सकता ठीक है सो लेट्स सी द न्यू वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन नाइ नाउ शिप ऑफ द डेजर्ट माइल्स किंग ऑफ द फॉरेस्ट सैन एंड था सो अगर बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करेगा सब्सक्राइब करेगा एंड शेयर करना मत भूलिएगा थैंक यू